डॉक्टर साहब आ गए, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ। आइए दीजिए मुझे। ये सब कैसे हुआ, आप दोनों को कैसे चोट लगी है? साहिल के स्कूल जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी कौन चला रहा था? संभालो अपने आपको। देखिए इन्हें गहरी चोट लगी है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। शुक्रगुजार करो कि इनकी जान बच गई, वरना ज्यादा चोट लगने से उनकी मौत भी हो सकती थी। फिक्र मत कीजिए, मुझे आपकी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है। निकाह के जान जा सकती थी मेरी वजह से। उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ दुख और दर्द। उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी थी, उसमें भी फेल हो गया। साथ रहेगी ना, कुछ नहीं रह पाएगी। उसे मुझे अपने आप से दूर करना होगा, दूर करना होगा। अरे तभी होगा जो मैं उसके दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दूं कि वो खुद मुझसे दूर चले जाए। अरे तभी होगा जब मैं पहले वाला दड़ी पास शिपाही से गोपराय बनू। पापी आपको होश आ गया, ठीक है ना? अब कैसा लग रहा है आपको? शिवा है। अभी आप थोड़ी देर बैठ जाइए, पर डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा है। पानी पीजिए। शिवाय कहा है दी, आप पानी पीजिए। गौरी अभी कहा है शिवाय? जीजू यही है। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? वो बिल्कुल ठीक है, आप आराम कीजिए ना भाभी। ठीक तो है ना?
शिवाय को बुलाओ ना प्लीज। हाँ प्लीज बुलाओ ना, मुझे उनसे मिलना डाउन प्लीज। भाभी अरे एक मिनट भाभी, आप क्या कर रही क्या कर रही हैं? मुझे शिवाय के पास दीदी रेस्ट लेना, डॉक्टर ने मना किया है। अभी चलना तो दूर, आपके लिए खड़े होना भी डेंजरस है। बैठिए बैठिए ना। नहीं भाभी मुझे नहीं सुन रही आप। मेरा पहले वाला तरीका शिवाय लौटा है, आपको इसे देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। गाड़ी निकालो। गाड़ी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। लेकिन शिवाय आप गाड़ी नहीं चला सकते, अभी अभी एक्सीडेंट। शिवाय सिंह ओबेरॉय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है वो अच्छी तरह जानता है। आराम करो। इन्हें क्या हुआ? क्या हो गया आपको शिवाय, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुम बाहर क्यों आई हो? कहा था ना आराम करो, अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपका भी हुआ है फिर भी आप जा रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग सेटल करनी है। इतने दिनों से बिजनेस आपके बिना हो रहा था ना, आज अचानक से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर आप नहीं जाएंगे? शिवाय आपकी हालत देख, मैं ठीक हूँ अनिका। ऐसे कैसे मान लो, कल तक तो आपको ऑफिस के नाम से इतनी घबराहट हो रही थी और आज अचानक आपको बिजनेस का भूत सवार हो गया। कल तक मैं कोई और था, आज मैं नया हूं। इस एक्सीडेंट ने पुराने शिवाय सिंह ओबेरॉय को जिंदा कर दिया है और मुझे समझा दिया है कि आगे बढ़ना है तो आगे ही देखना पड़ेगा और कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और अब दुनिया को बताने का वक्त आ गया है, शिवाय सिंह ओबेरॉय इज बैक। ये कैसे हो सकता? मेल पड़ा? लेकिन हमारी परमिशन के बिना बोर्ड मीटिंग आफ्टरनून की कैसे हुई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये किया किसने। शिवाय सिंह ओबेरॉय ने। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस कंपनी का कंट्रोल मुझे अपने हाथों में ले लेना चाहिए। पिछले 5 सालों से तुम दोनों इस कंपनी को चला रहे हो, लेकिन अब मैं चलाऊंगा। इसलिए अब लोगों का जानना यह जरूरी है, शिवाय सिंह ओबेरॉय इज बैक। टाइम से मीटिंग के लिए पहुंचाना, क्योंकि किसी का वेट करना मुझे पसंद नहीं। अभी इसे क्या हुआ? मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप ऑफिस जा रहे हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं, क्या हो गया आपको? क्यों आप एक ही दिन में इतना बदल गए? हाँ मिश्रा, मुझसे कह दो कि डील तभी साइन होगी जब टर्म्स रिवाइज होंगे, वरना ऐसे ना सिर्फ डील कैंसिल करेगा बल्कि किसी और कंपनी को उनके साथ डील करने ही नहीं देगा। मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ। शिवाय प्लीज मेरे से बात कीजिए, आपको ऑफिस जाना है, आप जाइए, लेकिन पहले मेरी बात। जी मिस्टर गुलाटी, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, आपकी पार्टी कैसे मिस कर सकते हैं। I'll be there, see you.
क्या हो, क्या क्या है आपको? क्यों आप इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं? किसने कहा मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ? ये मेरा नॉर्मल बिहेवियर है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। आप ऐसे नहीं थे कल तक, तो आप बिल्कुल ही अजीब। जाती क्या होने का, मैं जिंदगी भर एक डरा हुआ, जेल से निकला हुआ, घबराया हुआ आदमी बना रहा हूँ। कल तक तुम चाहती थी कि मैं अपने पास से बाहर आऊं, आगे बढ़ूं, और अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और तुम, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मेरा फोन मतलब नहीं था मैम। कौन है? लिसन, आई हेलो हेलो आई ये नेटवर्क भी ना। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, पर ऐसी क्या बात है शिवाय, प्लीज मुझे बताइए। प्लीज अनिका, मैं अपने हर एक्शन के लिए तुम्हें जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि तुम्हें बैठा के मैं तुम्हें कन्विंस करूं। वैसे ही फिजूल की चीजों के लिए मैंने काफी वक्त जाया कर दिया। क्या है चीजू को, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ? कुछ तो हुआ है गौरी, जो शिवाय मुझे पता नहीं रहे, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। कैसे बताऊं अनिका कि ये सब मैं तुम्हें दूर करने के लिए कर रहा हूं। आग के पास रहोगी तो जल जाओगी, और मैं तुम पर आ जाते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा। सोच रहे तुम यहां क्या कर रहे हो? शिवाय आपको आपको जाना है ऑफिस, आप जाइए, लेकिन आप खुद मत ड्राइव कीजिए और किसी ड्राइवर को ले लीजिए। कहना क्या चाहते हो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाने वाली, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि बात क्या है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनिका मेरी बात सुनो, जाओ यहां से। शिवाय मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो आपके साथ, ऑफिस घर जहां आपकी मर्जी ले चलिए, लेकिन मैं आप ही के साथ जाऊंगी। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो जबरदस्ती मेरे गले पड़ जाए। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके गले पड़ रही हूं? ठीक है, लगता है तो लगे, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओके फाइन। शिवाय क्या कर रहे हैं? अब आराम से चलाइए ना प्लीज, इतनी तेज क्यों चला रहे हैं शिवाय? शिवाय आराम से चलाइए। चला सकता हूं या और प्रूफ चाहिए तुम्हें? मैं समझ गया, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप खुद को मुझसे दूर कर सके, है ना? गाड़ी से निकलो। क्या? मैंने कहा गाड़ी से निकलो। आपको जितनी कोशिश करनी है ना आप कर लीजिए, लेकिन आप खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगे। अनिका अगर तुम गाड़ी से नहीं निकली ना, मैं इस गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा दूंगा। आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा उतर।
क्या हो गया आपको? तुम यकीन आ गया ना कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ? दस मिनट में गाड़ी पहुंच रही है, घर जाओ आराम करो। शिवाय सिंह अबरोय अपनी मर्जी का मालिक है, किसी को इन्फॉर्म करना है, एक्सप्लेन करना है ना, तो आदत है बस जरूरत। डर को भूल जाओ। जानता हूं तुम अभी तक अपने समय से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन कल आने का तुझे ऐसे देख लिया ना, कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। भाभी क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। शिवाय मेरा फोन नहीं उठा रहे। हाँ तो बिजी होंगे ना काम में। नहीं भव्या, बात कुछ और है। मैं शिवाय को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन मुझे दर्द में नहीं देख सकते। उनकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी गिल्ट की वजह से वो ये सब कर रहे हैं, मुझे खुद से दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। पहले अभी तो यही हुआ था जब नींद में उन्होंने मेरा गला। आप ज्यादा ही सोच रही हैं भाभी, हो सकता है ना भैया जेन्युइनली काम में बिजी हो, आफ्टर ऑल इतने सालों के बाद वो ऑफिस गए हैं और आप ही तो चाहती थी कि वो फिर से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले बिल्कुल पहले की तरह। आई एम श्योर भैया वही कर रहे होंगे, आपको तो खुश होना चाहिए भाभी। भव्या बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, एक पल में नहीं। शिवाय अगर धीरे धीरे बदलते तो मुझे खुशी होती, लेकिन शिवाय तो एक ही पल में। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर है। वरना सुबह और शाम के बीच कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? शिवाय भैया, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।